हेलो फूडीज, वेलकम टू संजनास किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं कोकोनट कुकीज़, वो भी मार्केट स्टाइल में, बिल्कुल मार्केट के जैसे बनते हैं। आज हम इन्हें घर पे बनाएंगे और बिल्कुल आसान तरीके से बनाएंगे। आइए देखते हैं कैसे बनाते हैं कोकोनट कुकीज़। कोकोनट कुकीज़ बनाने के लिए मैंने यहाँ लिया है 1/2 कप घी। आप वनस्पति घी या डालडा घी, कोई भी घी यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ वनस्पति घी यूज़ किया है। हल्का सा रूम टेम्परेचर पे हमें घी चाहिए, एकदम जमा हुआ घी नहीं लेना है हमें। साथ ही अब हम इसमें डालेंगे पाउडर्ड शुगर। मैंने यहाँ शक्कर को मिक्सर में पीस के पाउडर बना लिया है और वही शुगर हमें लेना है। पाउडर शुगर डालने के बाद हमें दोनों को अच्छी तरीके से मिक्स करना है, जब तक ये थोड़ा सा लाइट एंड फ्लफ़ी नहीं हो जाए। अच्छे से मिक्स करना है। आप स्पून से या विस्क से, किसी से भी से मिक्स कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो बैटर है वो अच्छे से मिक्स हो गया है, बहुत लाइट एंड फ्लफ़ी हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे 1/4 कप कोकोनट पाउडर, जिसे हम नारियल का बुरादा भी बोलते हैं। मार्केट में इजीली अवेलेबल होता है ये। कोकोनट पाउडर डालने के बाद अब हम इसमें डालेंगे 1/4 कप मैदा, यानी 1 कप + 1/4 कप हमें इसमें मैदा डालना है। मैदा डालने के बाद अब हम इसमें डालेंगे 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा और 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर। दोनों को डालकर हमें इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। देखिए फ्रेंड्स, सभी इंग्रेडिएंट्स को अब हमें अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है और हल्के हाथों से इसका डो बना लेना है। हमें इसमें ना दूध का यूज़ करना है ना पानी का यूज़ करना है। ये इस घी से ही एक अच्छा सा डो तैयार हो जाएगा और हल्के हाथों से हमें इसका एक डो तैयार कर लेना है। वो बन गया, तैयार हो गया है, एक अच्छा सा डो बन गया है। आप हमें इसी तरीके का डो बनाना है। और यहाँ मैंने एक बर्तन को प्रीहीट होने के लिए रख दिया है, जिसमें हमें कुकीज़ रेडी करनी है। एक बर्तन लिया है, उसके नीचे से मैंने डाला है उसमें रिंग, और ऊपर से प्लेट डालूँगी जो उस बर्तन में फिट आ जाए। आप इसे किसी में भी बना सकते हैं। और यहाँ मैंने डो लिया है और साथ में लिया है थोड़ा सा दूध और कोकोनट पाउडर। इससे हम बनाएंगे अब कुकीज़। थोड़ा सा डो लें और उसे छोटे बॉल के शेप में बना लें। देख सकते हैं किस जिस तरीके से मैं बना रही हूँ, इसमें दरारें ना रहें। बिल्कुल हल्के हाथ से आप इसका बॉल्स बना लें। देखिए बॉल बन गई है अच्छे से। अब हम इसे हल्के से दूध में डिप करेंगे और कोकोनट पाउडर में कोट करके बेक करने के लिए रखेंगे। आप इसी तरीके से पूरे कुकीज बना लीजिए और फिर इसे बेक कीजिए। देखिए मेरे सारे कुकीज़ बन गए, तैयार हो गए हैं। अब मैं इसे बेक करने के लिए रखूँगी। मैंने इसमें रख दिया है, आप चाहें तो भगोने का यूज़ भी कर सकते हैं या आप इडली स्टैंड में भी बना सकते हैं। आप इसे माइक्रोवेव या ओवन में भी बना सकते हैं। मैंने इसे प्रीहीट किया था 10 मिनट के लिए। देखिए मेरे कुकीज़ बन के तैयार हो गए हैं। 20 to 25 मिनट लगते हैं इन्हें बनने में और बहुत ही अच्छे कुकीज़ बन के तैयार हो गए। कलर देख सकते हैं आप कितना अच्छा है। आप इसे किसी जाली की प्लेट पे या फिर कूलिंग रैक पे रख सकते हैं। ये बहुत ही अच्छे कुकीज़ बनते हैं और अराउंड 25 डेज़ टू 1 मंथ तक आपकी कुकीज़ चल सकते हैं। आप किसी किसी बॉक्स में बंद करके रख सकते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।